उमर, रास्ता साफ है, अंदर कोई भी नहीं है। क्या हुआ? रास्ता साफ है, वो राशन पड़ा है, अंदर आ जा। यार उमर, जल्दी कर जल्दी कर, कोई आ न जाए। ये राशन किधर गया? ये गेट भी खुला है। ओ तेरी, ये तो सारा राशन ले गए, अब मैं क्या करूं? हाँ भाई, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मालिक, सारा राशन चोरी हो गया है। क्या राशन चोरी हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे थे, सो रहे थे बैठकर? जी मालिक, मेरी आंख लग गई थी। अरे बेवकूफ इंसान, तुम्हारी आंख लगने के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो गया ना, वो कौन भरेगा? क्या बताऊं मालिक, वो मोटरसाइकिल पे आए हैं और सारा राशन ले गए हैं। मैं पीछे भी गया हूँ लेकिन वो हाथ नहीं आए। क्या मोटरसाइकिल पे आए हैं? ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं कुछ करता हूँ। तो सर यार जल्दी बाहर आ, हमारे गोदाम में चोरी हो गई है। यार इसका पेट्रोल ही खत्म हो गया है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और ये पीछे क्या है? अरे भाई, हम तो घर जा रहे थे और रास्ते में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, तो तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया, तुम लोगों को क्या लगा तुम मेरा राशन चोरी करके इतनी आसानी से भाग जाओगे? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, हमने कोई चोरी नहीं किया। हाँ तुम सीधी तरह बताओगे जब मैं पुलिस को कॉल करूँ? अरे भाई पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं, हम आपको सारी बात बताते हैं। भाई हफ्ता हो गया है, हम चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, अब तो हमें राशन दे दें। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई राशन नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ, मैंने प्लान के मुताबिक राशन अलहदा कर लिया है, तुम रात को मोटरसाइकिल लेके आना, काम हो जाएगा। मैं भी कहूँ आए रोज हमारा राशन क्यों कम हो जाता है। ठीक है, तुम दोनों ये राशन लेकर जाओ और उस हसन का बंदोबस्त तो मैं कर लेता हूँ। हमें उन लोगों से मोहतात रहने की जरूरत है जो बज़ाहिर हमें अच्छे लगते हैं लेकिन खुफिया तौर पर हमें नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।